इस बजट 2024-25 में गांव गरीब किसान के लिए, सहकारिता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है। किसानों को ध्यान में रखते हुए 23,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 5 लाख किसान नए ऋण प्राप्त कर सकेंगे। 736 करोड़ ब्याज अनुदान पर व्यय किए जाएंगे। दीर्घकालीन ऋण वितरण किए जाएंगे। नए गोदाम निर्माण 150 जीएसएस के लिए बनाए जाएंगे। प्याज भंडारण के लिए भी 2,500 किसानों को 22 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा गांव गरीब किसान के लिए अंत्योदय, आपको ध्यान होगा, फसल बीमा योजना लागू किया तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कृषि मंत्री राजनाथ सिंह जी ने केसीसी कार्ड से लगाकर जो कार्य किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जब भी प्रदेश में और भारत में शासन मिला है तो गांव गरीब किसान के लिए कल्याणकारी योजना लाकर ढाणी तक पहुंचाने का कार्य किया है। मांग संख्या 50 एवं 55 सहकारी समितियों द्वारा जो नवीन सदस्य की साख सीमा जो लिमिट बनाई जाती है वो अपने आप में जनरेट होती है, अधिकतम 25,000 और बड़े किसान होते हैं उनको ज़्यादा मिलने चाहिए। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री महोदय से, सभापति महोदय, कि महाराष्ट्र गुजरात जहाँ सहकारी समिति है, हर गुजरात में जाने का अवसर मिलता है तो सही तरीके से दूध डेयरी से लगाकर चलती है, तो मैं सभापति महोदय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान की भी टीम जाके उनका आकलन करके उस बारे में सुझाव लेकर सही ढंग से अपने यहाँ भी राजस्थान में अच्छी तरह से व्यवस्था बने तो किसानों के लिए और सबके लिए ठीक रहेगा। सहकारी समिति मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांग रखूंगा, बाटा सिंदरी, फूलन समदड़ी एवं भूखा भगत सिंह जी, इसमें गोदाम नहीं है तो गोदाम बनाने के लिए मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा। और पंचायत वाइज जीएसएस होना जरूरी है। एक निवेदन और करूंगा कि हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, भूभाग बढ़ाए, जनसंख्या के आधार पर आप जीएसएस सहकारी समिति होती है, पर कई कई लोग 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर खाद्य लेने के लिए भी जाना पड़ता है उनको, तो जीएसएस अगर भूभाग को देखते हुए अगर वहाँ रेवेन्यू विलेज तक भी हो जाएगी तो किसानों के लिए सहूलियत रहेगी। माननीय सभापति महोदय, जहाँ ये फसल बीमा योजना होने के बाद में व्यवस्थापक द्वारा कई जगह किसानों के ऋण जो लेते हैं उनका बीमा कट जाता है और उनकी साख सीमा कितनी है वो भी ध्यान नहीं रहता है। गे पीरियड में मैंने एक व्यवस्थापक के यहीं इस सदन के अंदर ही एक व्यवस्थापक ने कम से कम 5 से 6 करोड़ की गड़बड़ी की थी तो उनको तत्कालीन मंत्री जी ने सस्पेंड करके, तो वो भी अति आवश्यक है कि वहां ध्यान देने की आवश्यकता जरूरी है। एक पोखरण विधानसभा में वहां आदरणीय विधायक प्रतापपुरी जी है, फलसून राजमताई दांतल, सन 2021-22 में लगभग 10,000 किसानों के खाते से 30 करोड़ के आसपास मैनेजर व व्यवस्थापकों ने फर्जीवाड़ा किया है, इसकी जांच करवाकर किसानों को न्याय दिलाने की माननीय मंत्री महोदय व्यवस्था करें, एसओजी से जांच करवाकर। ऐसे कई मामले पोखरण में, जैसलमेर में भी, पहले अभी माननीय छोटू सिंह जी भी बता रहे थे कि वहां किसानों को पता ही नहीं है, किसानों के नाम का फर्जी लोन लेके उनकी फसल बीमा योजना के तहत भी वो फायदा उठाया गया, इसकी आप जांच करवाकर किसानों को भी न्याय, भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। हमारे आदरणीय सभापति महोदय,
खाद्यान्न में मैं बीपीएल खाद्यान्न सुरक्षा योजना के परिवारों के साथ में भी मेरी आपके मार्फत मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि एपीएल परिवारों को भी नॉमिनल मूल्य में उनको भी खाद्यान्न मिलना चाहिए, ताकि वो परिवार भी कहां जाए। प्रदेश में राशन डीलर वेतन कम मिल रहा है, पोस्ट मशीनें पुरानी होगी, चेंज करने के लिए उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। योजना के पात्र कई जगह जैसे सर्वे करवाकर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कई परिवार है, वास्तव में गांव में अगर देखते हैं अपन, ढाणी में देखते हैं तो वंचित रह गए खाद्य से जुड़े हुए। कई संपन्न परिवार जुड़ गए, वो अपनी इच्छा से कटाए या नहीं कटाए, पर गरीब परिवार जो है उनको खाद्यान्न मिले, इसके लिए सर्वे करवाकर उनके नाम जुड़ने चाहिए। यही मेरा निवेदन रहेगा। सहकारिता से पहले हर किसान साहूकार के पास जाता था लोन के लिए, और अब सहकारिता से लोन मिल जाता है तो थोड़ा खेती के लिए आसान हो जाता है। तो ये अच्छी नवीनता सरकार ने की है, इसको और मजबूत करें। वैसे हमारे दोनों मंत्री युवा है, खाद्यान्न मंत्री और सहकारी मंत्री, सरल भी है और काम करने का मादा भी रखते हैं। तो इन दोनों विभागों का अच्छा काम करेंगे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उम्मीद और आशा के साथ में सभापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अमित चाचा,